नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलेशन के बारे में, यानी BRS के बारे में। BRS होता क्या है? BRS बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम बैंक के द्वारा की गई ट्रांजैक्शन को अपने द्वारा की गई ट्रांजैक्शन के थ्रू मैच करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, यानी हमने जो भी पेमेंट की एंट्री अपने बैंक के द्वारा की है, उसकी एंट्री हमने टेलीप्राइम के अंदर कर रखी है। अब बैंक भी अपनी डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास करता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो बैंक ने जो हमारी एंट्री यहाँ पर पास की हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा अमाउंट मंथ के लास्ट में रिफ्लेक्ट होता है, और वही अमाउंट अगर हमारे टैली प्राइम के अंदर भी सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है, तो ये हमारा एक तरीके से मैच हो जाता है। लेकिन अगर ये मैच नहीं होता तो हमें इसे रिकंसलेट करना पड़ता है, यानी बैंक रिकंसलेशन करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हमने नहीं की है, या ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हमसे छूट गई है, जिसकी वजह से हमारा बैंक का जो अमाउंट है वो हमारे इस टैली के अकाउंट से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज कर रखी हैं जिसके अंदर हमने टोटल डेबिट और क्रेडिट दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आप देखेंगे टोटल अमाउंट जो हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 36,640 रुपए का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में बैलेंस है। लेकिन अगर हम टैली की बात करें, यानी अपने ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट होना चाहिए 36,870 रुपए। यानी हमारे पास जो फर्क आ रहा है वो फर्क आ रहा है 230 रुपए का, यानी 230 रुपए बैंक हमारे माइनस कर रहा है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक SMS चार्जेस को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि जब बैंक ट्रांजैक्शन करता है तो कभी कभी कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो चार्जेस एक्स्ट्रा बैंक डिटेक्ट कर लेता है, या तो फिर कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो चार्जेस हमें पता ही नहीं होता और बैंक उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसकी वजह से हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने अपनी पासबुक बना रखी होती है उसके अंदर, और अगर हम अपनी बैंक की पासबुक को दोनों को आपस में चेक करें, तो दोनों के अंदर फर्क आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 230 रुपए का फर्क है, जो कि SMS चार्जेस का है। अगर हम बात करें SMS चार्जेस की, तो SMS चार्जेस के बारे में हमें पता ही नहीं था, जो डिटेक्ट हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट से। और अगर हम टैली प्राइम के अंदर देखें इस चीज को, तो इसकी एंट्री हमने पास नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर 230 रुपए ज्यादा शो कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें डेबिट की, तो टोटल डेबिट अमाउंट हमारा है 36,870 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए 63,130 रुपए। हमारे बैंक का अकाउंट हमारे अकाउंट से मैच नहीं हो पाता। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाउनलोड की हुई है, जिसके अंदर आप देखेंगे हमने वन मंथ की पूरी मई की ट्रांजैक्शन करी है, जिसके अंदर हम बाद में मंथ के लास्ट में रिकंसलेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारा जो टोटल अमाउंट है, यानी कि अगर हम बात करें डेबिट अमाउंट की, तो डेबिट अमाउंट हमारा जो बनता है वो यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग 63,360 रुपए बनता है। लेकिन अगर हम टैली की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट बनता है वो 63,130 रुपए बचता है, यानी कि 230 रुपए का जो है हमारे पास फर्क आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है 36,870 रुपए, और अगर हम बैंक के अंदर इसी चीज़ को चेक करें, तो यहाँ पर हमारे सामने है 36,640 रुपए, यानी सेम 230 रुपए का फर्क। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एक एंट्री है SMS चार्जेस की, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये SMS चार्ज बेसिकली बैंक ने हमारे अकाउंट से डिटेक्ट कर लिया है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। जब हमने स्टेटमेंट को डाउनलोड किया, तब हमें जाकर पता चला कि हमारे 230 रुपए बैंक ने डिटेक्ट कर रखे हैं। अब इसकी एंट्री हमने टैली प्राइम के अंदर पास नहीं की हुई है, जिसकी वजह से हमारा अमाउंट जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब इस चीज़ को किस तरीके से मैच किया जाता है, यही हमारा बैंक रिकंसलेशन का प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से बैंक रिकंसलेशन कर सकते हैं। इसके लिए एक बार हम स्कैप करके पीछे चले जाते हैं। मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि आप रिकंसलेट किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको जाना होगा यहां पर बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग में जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बैंक रिकंसलेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है या एंटर प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका बैंक आपके सामने शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी शो हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है अपने बैंक की ट्रांजैक्शन। हमने कैश डिपॉजिट किया है 50,000 रुपये, जो कि हमारा अकाउंट बैलेंस यहाँ पर 50,000 रुपये शो हो रहा है। किस डेट को हमने डिपॉजिट किया था? 1 मई 2021 को। अब यही एंट्री अब हम चेक करते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर,
तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 मई 2021 को कैश डिपॉजिट हुआ है 50,000 रुपये। बैंक के अंदर जो डेट है वो 1 मई ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिकंसलेट करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके रिकंसलेट करके दिखाता हूँ कि आप बैंक के डेट को और इसके डेट को दोनों को मैच कैसे करते हैं। होता क्या है कि हम ट्रांजैक्शन किसी और डेट पे करते हैं और कभी कभी बैंक उस पैसे को किसी और डेट में डिटेक्ट कर लेता है या तो रिसीव कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे सामने एक आदित्य कॉरपोरेशन है जिसको हमने कोई चेक इशू किया है 11 मई 2021 को, लेकिन आदित्य कॉरपोरेशन ने इस चेक को 11 मई को ना लगाते हुए इसने इसको 2 से 3 दिन लेट कर दिया, यानी कि इसने इस चेक को लगाया 13 मई को। अब हुआ क्या, बैंक जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन एंट्री 13 मई को दिखाएगा और हमने जो एंट्री पास की है वो हम दिखाएंगे 11 मई को, यानी कि हम दिखाएंगे 11 मई को हमने आदित्य कॉरपोरेशन को पेमेंट कर दी है और बैंक के अकाउंट में से जो डिडक्ट होगा वो 13 मई को डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो डेट का फ़र्क आ जाता है टैली के अंदर और हमारे बैंक के अंदर, उसी डेट के फ़र्क को हम यहाँ पर कंसलेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे बैंक डेट का एक ऑप्शन आपके सामने शो होता है, जिस डेट पर हमने कोई एंट्री पास की है और वो सेम डेट पर ही ट्रांजैक्शन हो जाती है, यानी आप बैंक के अंदर से वो अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उस डेट को यहाँ पर हम फिल करेंगे, यही हमारा रिकंसलेट होता है। लेकिन अगर कोई डेट ऐसी हो जाती है जैसे मैंने आपसे बताया आदित्य कॉरपोरेशन की, कि यहाँ पर हमने 11 तारीख को उसको पेमेंट करी थी लेकिन उसने 13 तारीख को लगाया वो पैसा और हमारे बैंक के अंदर वो रिफ्लेक्ट अमाउंट 13 तारीख को शो कर रहा है, यानी 13 तारीख को वो पैसा डिटेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम बैंक की डेट डाल देंगे जिसके अकॉर्डिंग वो बैंक का पैसा और हमारा पैसा दोनों को मैच कर लेगा। तो मैं एक एक करके इन सभी एंट्रीज का बैंक रिकंसलेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। 1 मई 2021 को हमने कैश डिपॉजिट किया था 50,000 रुपये। तो आप देखेंगे इस एंट्री को आपको यहाँ पर ढूंढना होगा कि वो एंट्री है कहाँ पे। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर ही हमें वो एंट्री दिखाई दे रही है, हमने 1 मई 2021 को कैश डिपॉजिट किया था 50,000 रुपये। तो यहाँ पर बैंक की जो डेट है और हमारे पास जो हमारी एंट्री की डेट है वो दोनों डेट सेम है, तो यहाँ पर हम सेम डेट दे देंगे यानी 1 मई दे देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 50,000 रुपये हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक के अंदर आप देखेंगे 50,000 रुपये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल पे किया हुआ है 5 मई 2021 को। अब चेक नंबर जो था वो हमारा था 18001। अब इसको हम चेक करेंगे अपने पासबुक के अंदर, तो यहां पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा यहां पर है 18001 और यहां पर अमाउंट देखेंगे इसका अमाउंट है 5550 और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो डेट है वो 5/5/2021 है। तो यानी कि ये जो डेट है इसी डेट को हम अपनी टैली प्राइम के अंदर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पर हम 5 दे देते हैं 5 मई 2021। आप देखेंगे हमारा जो अमाउंट था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक यानी हमारे बैंक में जो अमाउंट बचा है अब वो आ गया 44,450 रुपये। अब इसको हम एक बार अपने स्टेटमेंट के अंदर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 44,450 रुपये यहाँ पर हमारा अमाउंट बैलेंस शो हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको रिकंसलेट करते चले जाएंगे। अब तीसरी जो एंट्री है हमारी वो है 6/5/2021 को, ई सर्विस का कोई चार्ज हमने पे किया है 500 रुपये का। तो चलिए इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, डेट हमारी 6/5/2021। चले जाते हैं टैली स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर तीसरी एंट्री है हमारी ई सर्विस की। आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट हमने की हुई है, सेम बैंक ट्रांसफर है 5 मई 2021 को। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो एंट्री पास की है वो 5 मई 2021 को की है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर चेक करते हैं यानी बैंक ने इस पैसे को कब डिटेक्ट किया, 6/5/2021 को डिटेक्ट किया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें वो डेट देनी है जिस डेट पे बैंक ने इसको डिटेक्ट किया था, तो हम यहाँ पर 6 तारीख दे देंगे। 6 तारीख को देते ही आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, एज पर बैंक अकाउंट जो है हमारा वो 43,950 रुपये शो अप हो गया। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, आप देखेंगे 43,950 रुपये यहाँ बैलेंस मेंटेन हो गया। इसी तरीके से अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, यहाँ पर आप देखेंगे टेलीफोन चार्जेस है हमारा, जो हमारा चेकबुक नंबर है वो है 18002, अमाउंट है हमारा 1580 रुपये का और डेट है हमारी 8/5/2021। तो अब 8 तारीख को हमने 1580 रुपये का टेलीफोन बिल पे किया है। अब इसको हम ढूंढते हैं अपनी टेली प्राइम के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर टेलीफोन बिल हमारा शो हो गया, पेमेंट हमने की है चेक से, नंबर है 18002, 8 मई को, यानी कि यहाँ पर जो हमारी डेट है 8 मई वो डेट बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी, यानी सेम डेट पर हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है। तो हम यहाँ पर वही डेट देंगे 8 तारीख और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बैलेंस एज पर बैंक था वो फिर से मेंटेन हो गया। आप देखेंगे 42,370 रुपये यहाँ पर शो हो गया। इसको फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, आप देखिए 42,370 रुपये हमारा अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है।
सेम इसी तरीके से अब हम देखेंगे, हमें 11 तारीख को यानी 11 मई को हमें आदित्य कॉरपोरेशन ने 35,000 रुपये पे किए हैं, यानी 35,000 रुपये की उसने हमें पेमेंट की है। तो हमारा जो अमाउंट बनना चाहिए वो 77,370 रुपये बनना चाहिए बैंक के हिसाब से। तो अब हम इस एंट्री को यहाँ पर देख लेते हैं, चले जाते हैं टेली स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए रिसिप्ट की एंट्री है हमारे पास आदित्य कॉरपोरेशन के थ्रू, हमें अमाउंट रिसिप्ट हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे 11 मई 2021 को। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बैंक की डेट है आदित्य कॉरपोरेशन की वो 11 मई 2021 ही है, तो यहाँ पर भी जो डेट है वो बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर डेट दे देंगे 11 तारीख। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था 77,370, इसको चेक करिए यहाँ से 77,370 बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम फिर से नीचे आ जाते हैं, अब आप देखेंगे एक पेमेंट की एंट्री हमने पास की है संदीप को, यानी संदीप को हमने 25,000 रुपये की पेमेंट की है और जो डेट है हमारी वो है 15/5/2021 को, यानी 15/5/2021 को बैंक ने हमारे अकाउंट से 25,000 रुपये डिटेक्ट किए हैं। तो चलिए इस एंट्री को देख लेते हैं, संदीप की हमने एंट्री पास की है, तो यहाँ पर देखेंगे संदीप की हमने एंट्री पास कर रखी है पेमेंट की, जिसका चेक नंबर है 18003, 15 मई को हमने इसकी एंट्री पास की है। अब बैंक इसको किस डेट पे डिटेक्ट कर रहा है, तो ये बैंक हमारा डिटेक्ट कर रहा है सेम डेट पर 15 मई को ही, तो हम यहाँ पर भी वही डेट मेंशन कर देंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। एंटर प्रेस करके नीचे आने के बाद आप देखेंगे हमारा बैलेंस एज पर बैंक में जो अमाउंट आ रहा है वो 52,370 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर आप देखेंगे 25,000 रुपये पे करने के बाद 52,370 रुपये बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट हमारा शो हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे एक ट्रांजेक्शन हमारी और है कमल कॉरपोरेशन की, इसने हमें 15,000 रुपये पे किया, यानी इसने हमें 15,000 रुपये दिए हैं हमारे अकाउंट में, ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में होना चाहिए 67,370 रुपीज़। अब कमल कॉरपोरेशन की हम लोग एंट्री चेक कर लेते हैं 18/5/2021 को हमारे अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कमल कॉरपोरेशन की एंट्री है हमारे पास, रिसीव हुआ है, चेक नंबर है हमारा 18004, 16 मई 2021 को, यानी कि हमने जो एंट्री है वो 16 मई को ही पास कर रखी है, लेकिन बैंक में जो पैसा हमारे सामने रिफ्लेक्ट हुआ है यानी बैंक में जो पैसा आया है वो 18 तारीख को आया है, तो यहाँ पर हम बैंक की डेट देंगे 18 तारीख दे देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था वो यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक शो हो गया, यानी 67,370 रुपीज़। अब इसको हम वापस चेक करते हैं, तो चेक करिए 67,370 रुपीज़ रिफ्लेक्शन हो गया अमाउंट हमारा। अब यहाँ पर बात करते हैं SMS चार्जेस की, ये एंट्री आपके बहुत ही काम की एंट्री है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 22/5/2021 को हमारे अकाउंट से SMS चार्जेस डिटेक्ट हुए हैं 230 रुपये, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, और अब हमारे पास जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो 67,140 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी SMS चार्जेस की एंट्री नहीं है, तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें एक एंट्री पास करनी होगी बैंक चार्जेस की। तो इसके लिए आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से ही ऑल्ट जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक एक्सेप्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर आप यस करा देंगे। यस करने के बाद आपके सामने वाउचर्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, वाउचर्स ओपन होने के बाद हमें पेमेंट की एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर F5 लेंगे। F5 लेने के बाद हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा SMS चार्जेस का, तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं SMS चार्ज। अब इसके बाद इसको डाल देंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसके बाद जो हमारा अमाउंट था वो अमाउंट एक बार हम देख लेते हैं कितना अमाउंट हमारा डिटेक्ट हुआ है, तो 230 रुपये का हमारा अमाउंट डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पर हम 230 रुपये डाल देते हैं। 230 रुपये डालने के बाद क्रेडिट कर देंगे बैंक को, बैंक को क्रेडिट करने के बाद आप देखेंगे अमाउंट हमारा यहाँ पर 36,640 रुपये शो हो गया, हम इस एंट्री को पास कर देंगे। इससे पहले हम लोग डेट चेक कर लेते हैं किस डेट पर हम इस एंट्री को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे SMS जो चार्ज हमारा कटा है वो 22/5/2021 को हमारा डिटेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम F2 करेंगे और यहाँ पर हम डेट ले लेंगे 22/5/2021 और यहाँ पर भी सेम डेट ले लेंगे 22/5/2021, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए, अब ये अमाउंट डिटेक्ट कैसे हुआ है, डिटेक्ट हुआ है मान लीजिए हमारा अदर्स से, तो यहाँ पर अदर्स रखेंगे और जो डेट थी हमारी वो यहाँ पर हम फिर से डेट दे देंगे, तो हमारी जो डेट थी वो थी 22/5, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर SMS चार्जेस की जो हमारी एंट्री थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सर्च करके, अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप कि आपकी एंट्री कहाँ गई, उस एंट्री को सर्च करके यहाँ पर उस डेट को मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 22 तारीख को ही हमें अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था 67,140 रुपीज़ हो गया, और इसको अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 67,140 रुपीज़ यहाँ पर मेंटेन हो गया।
अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक चेक हमने इशू किया है पवन इंडस्ट्रीज को, कितने अमाउंट का, 18,500 रुपए का। डेट क्या है हमारी, 23/5/2021 को हमारे अकाउंट से पैसा डिटेक्ट किया गया है। तो चले जाते हैं वापस अपनी टैली पर, यहाँ पर चले जाते हैं पवन के पास। यहाँ पर जो हमने ट्रांजेक्शन कर रखी है वो 20 मई की कर रखी है, लेकिन ये जो बैंक के हिसाब से जो अमाउंट हमारा डिटेक्ट हुआ है वो डिटेक्ट हुआ है 23/5 को। तो यहाँ पर हम बैंक की डेट दे देते हैं 23/5, और एंटर प्रेस करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो बैलेंस था ऑटोमेटिक फिर से मेंटेन हो गया। अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो 48,640 यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं हम लोग, 48,640 रुपये यहाँ पर अमाउंट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से एक एंट्री फिर से हम लोग पास करके देखते हैं, 25/5/2021 को हमने एक और चेक इशू किया है जो कि काला क्रिएशन को हमने इशू किया है, 36,640 रुपये हमारे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए सब सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद। तो चलिए इस एंट्री को हम पास करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काला क्रिएशन हमारे सामने शो हो रहा है, पेमेंट की एंट्री हमने कर रखी है, चेक नंबर हमारा ये है, 23 मार्च को हमने अपनी टैली के अंदर इसकी एंट्री कर रखी है, लेकिन हमारे बैंक के अंदर ये ट्रांजेक्ट हुआ है 25/5/2021 को। तो यहाँ पर हम जो डेट देंगे वो देंगे 25 तारीख और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट रिफ्लेक्शन हो गया। अब एक बार एंटर करके हम इस एंट्री को सेव कर देते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग के अंदर जाने के बाद चले जाइए बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर, और यहाँ से अपने बैंक को सिलेक्ट करिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेट है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 25 मई 2021 तक की आपकी पूरी ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर अगर आप रिकंसिलिएशन बैलेंस देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस एज पर कंपनी बुक, यानी कंपनी बुक के अंदर जो आपका बैलेंस है वो आपका 36,640 रुपए है। और अगर आप देखेंगे बैलेंस एज पर बैंक, यानी आपके बैंक के अंदर कितना बैलेंस है, तो आपके बैंक के अंदर भी बैलेंस 36,640 रुपए ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो अमाउंट था हमारा 36,640 रुपए ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी को कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।